सुनो भाई, मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। आसपास कहीं मैकेनिक भी नहीं है। मुझे नहीं पता है। ये लो पैसे ले लो, टायर तुम ही बदल दो। देखता हूँ मैं, जल्दी करो। स्कूल खत्म होते ही जल्दी से घर आ जाना। मैंने पापा को भी घर पर बुलाया है, हम सब साथ में बाहर जाएंगे। ओके, ठीक है। मम्मी मम्मी, मुझे वो बलून दिला दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी प्लीज। ठीक है जाओ। विकी संभल कर। अंकल अंकल, अरे वो जो भी मांगेगा तुम दिला दोगी क्या? तुम उसे बिगाड़ रही हो। वो हमारा इकलौता बेटा है, उसकी इच्छाएं पूरी करना गलत है क्या? ये येलो बलून। विकी, स्कूल को देर हो रही है, जल्दी आओ। ये घटना कहाँ हुई? एसआर नगर में। सिस्टर, विक्की को कुछ नहीं होगा ना? सर, फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। What is the status? Yes. Doctor, we have an emergency case. It's a 7-year-old boy. Oh.
3.5 पल्स भी ड्रॉप होने के चांसेस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के लिए कह दें क्या सर? नो वेट, सेंड मी द केस डिटेल्स, लेट मी चेक। सर केस रिपोर्ट ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया है। यस सर। कॉल डॉक्टर आनंद इमीडिएटली। सर वो बैक टू बैक 3 सर्जरी करके गए हैं। जस्ट आस्क हिम टू कम। यस डॉक्टर आनंद। डॉक्टर मैं नर्स विद्या बोल रही हूँ, एक इमरजेंसी केस आया है, चीफ आपको जल्दी बुला रहे हैं। व्हाट्स द केस विद्या? सीवियर वाइट क्लब ट्रॉमा। आई हैव मेल्ड यू द केस शीट सर। ओके लेट मी चेक। Where's the chief? Chief is inside the OT doctor. आप ही का इंतजार कर रहे हैं। Morning, sir. Hello. Anand, he has a severe bleeding affecting hippocampus. Even if you try to give vitals, his IPC are high. I don't know. We can save him, but getting memory restore is a bit difficult. Give me size 11 blade. Refractor, aspirator. What are you doing? Silence, please. Mispa, what's the level of anesthesia?
मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि वो तुम्हें धोखा देगा। मिस पा, बताओ मुझे। यस डॉक्टर। व्हाट्स द लेवल ऑफ एनेस्थीसिया? लोडिंग 3.5 mg पर kg पर मिनट, लिमिटेड टू 0.2 mg kg पर मिनट, इंक्रीज इट टू 0.3। क्विक। यस डॉक्टर। अनंत, आर यू श्योर अबाउट दिस? यस। बट पैरेटल लोब से ड्रिल करके टेम्पोरल लोब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वोंट इट नॉट अफेक्ट द पेशेंट्स स्पेशल एंड विजुअल परसेप्शन? आई एम अप्रोचिंग एट अ 45 डिग्री मिडलाइन अप्रोच विद स्टेबल हैंड्स एंड नो डिविएशन। आई एम श्योर आई कैन एक्सेस द मेमोरी मॉड्यूल विद द सेम प्रॉब्लम। चेक दैट, चेक द वाइटल्स। मेरे हाथ पैर ने तो काम करना बंद कर दिया था। ये एहसान कैसे चुकाए समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर। दैट्स ओके, दैट्स माय ड्यूटी। थैंक यू सो मच। वी कीप हिम इन द आईसीयू फॉर कपल ऑफ डेज जस्ट टू चेक ऑन हिज इंप्रूवमेंट्स। उसके बाद वी विल शिफ्ट हिम इन द जनरल वार्ड। या श्योर चीफ। आई डोंट स्मोक, थैंक यू। तुम उस बच्चे को बचा सकते हो, मुझे भरोसा है। बट हाउ कम यू एबल टू रिस्टोर हिज मेमोरी आनंद? आई जस्ट ऑल्टर द अप्रोच, दैट्स इट। आई थिंक अब आप सर्जरी करने में बिल्कुल हीरो बन गए हैं। ऑर्गन्स के मामले में आपने कंप्लीट स्टडी किया हुआ लगता है। सच कहो तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर इयर्स नाउ एंड आई डोंट थिंक इट्स एज इजी एज इट सीम्स। नो नो, आई डोंट मीन दैट। आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। डायसन, सॉरी यार, काम के टेंशन में ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे पता है तुम्हें हर 3 घंटे में खाने की जरूरत होती है। तुम्हारे पेट में कुछ है क्या? चलो फ्रिज में देखते हैं मिल्क है क्या। अभी तुम्हें मिल्क पिलाता हूँ। स्टे हियर। यस डॉक्टर आनंद है। हेलो डॉक्टर, विस्पा हियर। विस्पा, क्या हुआ? इज इट राइट टाइम टू टॉक टू यू डॉक्टर? कोई बात नहीं, बताइए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ डॉक्टर। जरूर। Maybe in 6 hours I'll be on duty.
Around 6:30 I'll finish the inspection. We can catch up after that. नहीं डॉक्टर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. मिसबा यू ओके? मुझे लग रहा है कि यू डोंट सीम टू बी नॉर्मल. बताइए ना मिसबा, क्या हुआ? डॉक्टर, आई एम गेटिंग सुसाइडल थॉट्स. मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा. मैं घर जाना पसंद नहीं करता. कल काम पर आऊंगा ये नहीं पता. आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं किसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कॉल किया. प्लीज गिव मी 10 मिनट्स. प्लीज डॉक्टर. ओके ओके मिसबा, डोंट ड्राइव. थैंक यू डॉक्टर. या अब इस बारिश में और इस हालत में गाड़ी चला के आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है. नहीं डॉक्टर, आई एम ऑन माय वे. आई विल बी अप्रोक्स अनदर 30 मिनट्स. हेलो साहब. सर, मेरा नाम प्रिया है. एक्चुअली सर, मेरी कार वहाँ रास्ते में खराब हो गई है. रिलेटिव्स को फोन भी किया मैंने, 10-15 मिनट में वो लोग यहाँ आ जाएंगे. सर सर, इफ यू डोंट माइंड, रिलेटिव्स के आने तक मैं क्या यहाँ पर रुक सकती हूँ सर, प्लीज? सॉरी, आई कांट हेल्प यू. सर सर सर, प्लीज सर, आसपास में कोई नहीं है सर. आपके घर में ही लाइट जल रही है सर. प्लीज सर, इसलिए मैं यहाँ आ गई. सर, मेरी दादी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है सर. सिर्फ 10 मिनट रुककर चली जाऊंगी सर. प्लीज सर. ओके, सिर्फ 10 मिनट है और फिर चली जाऊंगा. थैंक यू सर, आई विल जस्ट कम बैक. बारिश बहुत तेज हो रही है विशु. हाँ ओके ओके, चलो. अच्छा, हाँ चलो. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. पहुंचने के लिए कुछ दे दो ना बेटा. ओ, एक मिनट. अरे बाप रे, ये लीजिए. थैंक्स. पूछो 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 बेटा. बाप रे बाप, बहुत भीग गए. आहा, तुम्हारा घर तो चमक रहा है बेटा. एक डॉक्टर का घर तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. आ, 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 तुम अकेले रहते हो क्या? बीवी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? मेरी शादी नहीं हुई है दादी. शादी नहीं हुई? आजकल के बच्चे हर चीज में आगे, बस शादी में ही पीछे. इन्हें आजादी से घूमना है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं चाहिए. ये भी ऐसी है. क्यों, तुम भी कहाँ सुनती हो, शादी की बात करो तुरंत मना कर देती है. दादी, दिमाग खराब है? सॉरी सर, मेरी दादी कुछ ज्यादा ही बोलती है. है? छे, क्या बकवास कर रही है तू? मैं इनसे बात कर रही हूँ, बीच में क्यों बोल रही है? जिस उम्र में जो करना चाहिए वो तो जरूरी है ना. क्यों, ठीक कहा ना, जिस उम्र में जो करना चाहिए वो क्यों नहीं करते, वही समझ में नहीं आता. तुम डॉक्टर बन गए हो, 20 की उम्र में अगर शादी कर लेते तो कैसा होता, और 30 की उम्र में शादी करोगे तो क्या होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना बेटा? बातें कर कर के ना मेरा गला थोड़ा सूख गया है. कुछ पीने को मिल सकता है क्या? पानी नहीं चाहिए, टी या कॉफी कुछ हो तो. बारिश में भीग गए ना, बुरी तरह से कांप रहे हैं. या एक मिनट.
क्यों फोन किया? हेलो फातिमा, आई एम इन इमरजेंसी रूम राइट नाउ, आई कॉल यू लेटर, बाय। सॉरी, डिस्टर्ब किया क्या? बाहर बारिश हो रही है तो तुम जहाँ भी हो सेफ हो या कहीं अटक गए, यही पूछने के लिए कॉल किया। ओह, आई सी, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चला। एनीवेज आई एम सेफ नाउ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाना। बाय। विस्पा, इमरजेंसी रूम में अकेले हो या वो भी साथ है? मतलब नाइट शिफ्ट बस तुम्हारी ही है या किसी और की भी है? तुम्हारी बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ फातिमा। फातिमा, डोंट टॉक लाइक दैट प्लीज। हम क्या बात कर रहे हैं और फिर सामने वाला क्या बात कर रहा है, ये समझ जाता है ना? फातिमा, डोंट टॉक लाइक दैट। वो 6 बजे घर चली गई। जल्दी से शादी कर लो बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर दूंगी। दादी प्लीज बस करो। सर ने हमें रुकने की जगह दी है तो तुम टॉर्चर करोगी? हाँ देखो, ये सबकी तरह नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग दिखता है, देखो तो जरा, नजर न लग जाए। दादी, वो बैग दे दीजिए प्लीज। क्या रही हो, जिस काम के लिए आए वो करो। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब सो रहे हो, सब इन्फॉर्मेशन रखती हूँ मैं, है ना? फातिमा, अगर आप उसके पीछे पड़े थे तो मुझसे शादी क्यों की? 2 साल तक मेरे साथ क्यों रहे? मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है, तुम्हारी तरह शक नहीं करती मुझ पर। तुम साइको हो और सैडिस्ट भी हो। तुम साइको हो। क्या मैं तुम्हें सैटिस्फाई नहीं करती हूँ? मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ क्या? तुम और तुम्हारे माँ बाप साइको हैं, सैडिस्ट हैं। मुझे टॉर्चर करके मारने के लिए तुझे मेरे पास छोड़ दिया है, यू ब्लडी साइकोपैथ बिच। कौन है साइकोपैथ? Thank you.
दादी मैं अपनी जिंदगी में ऐसा रिस्की काम नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है और ये मेरा लास्ट ऑपरेशन है। मेरा हिस्सा आप मुझे दे दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं गांव चली जाती हूँ, मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगी। तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया, ऐसा तो क्या देख लिया, जरा मैं भी तो देखूं। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ही सारे सबूत मिटा देंगे हम भाग निकलेंगे। दादी तब तक आप क्लीन कर दो, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। इस समय तुम कहाँ जा रही हो? 10 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है, लेट मत करना वरना ये उठ जाएगा। सर, मेरी दादी मंदिर से आते वक्त बेहोश हो गई थी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? दादी पानी पी लो। दादी दादी थैंक्स भाई साहब, आप तो भगवान की तरह आए। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी, मैंने तो केवल पानी दिया है, ये तो मेरा फर्ज है, मदद कैसी? आज के जमाने में कौन मदद करता है बेटा, सब एक जैसे नहीं होते हैं दादी। रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये लीजिए। आपको इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? 2-3 बार हो चुका है सर, हफ्ते में 4-5 बार तो बिना खाए व्रत करती है ये। ऐसा बेटर यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, लेकिन इस उम्र में आपको व्रत की क्या जरूरत है? अरे आपको तो बैठ के टीवी सीरियल देखना चाहिए। इस उम्र में ये सब करना चाहिए? ये फालतू टीवी सीरियल देखने से अच्छा है मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें, पुण्य पाकर स्वर्ग में तो जा पाएंगे।
ये विभूति ले लो बेटा, मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। हाँ, मंदिर से लेकर आई है तब तो अच्छा ही होगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जो, बावर्ची होटल में जाएंगे और मस्त बिरयानी खाएंगे। आप कितना भी अच्छा काम करे, आप नुक्स तो निकालती हो। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रही है। हमारा काम रिस्क का काम है बेटा, ठीक से नहीं करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। आज बहुत दिनों के बाद इतना माल मिला है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले अजय के स्कूल की फीस भरेंगे। फीस भरो कहकर परेशान कर दिया उन्होंने। कब तक भरना है दादी? नेक्स्ट वीक तक भरना पड़ेगा। हमारी पढ़ाई चाहे अधूरी रह गई हो, लेकिन उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाना है मुझे, यही इच्छा है मेरी। बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाह रही थी दादी। क्या है बोलो ना। दादी वो आप जानते हो ना। बात को घुमाओ मत, सीधे पॉइंट पर आओ। मैं और जोई शादी करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दे दो दादी। ये क्या कर रही है बेटा, उठो उठो। अरे उठो, क्या नाटक कर रही है, उठो। तुम जब तक खा नहीं कहोगी मैं नहीं उठने वाली हूँ। अरे जो, ये क्या कह रही है। ये सच है दादी, हम रजिस्टर मैरिज करके बैंगलोर जाना चाहते हैं। आपको फीस तो अगले हफ्ते भरना है ना, तो ये 30 लाख रुपए तब तक हमें दे दो ना दादी। दादी ये लीजिए टैबलेट, हर रोज दिन में 3 बार खानी है। आगे से रोड क्रॉस करते वक्त ध्यान दीजिएगा। जाते जाते बिल भर दीजिएगा, ठीक है? बिल? ऑटो, ऑटो रुको। मैं बस 5 मिनट में आ, रुको। सावित्री, क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी दीदी? उस एक्सीडेंट में तुम मर गई ऐसा मुझे लगा। उस दिन मैं ही मर जाती तो अच्छा होता। अच्छा, यहाँ किसे एडमिट किया है? तुम्हारे बेटे को? हाँ दीदी, तनाल को जूस की तरह पी गया।
हफ्ते में दूसरी बार ऐसा किया है। हमने इतने कष्ट सहकर इसीलिए बड़ा किया है क्या दीदी? वैसे इसे क्या तकलीफ है? पता नहीं दीदी, किसी लड़की से प्यार करता है शायद। वो लड़की किसी अमीर लड़के से शादी करके चली गई, उसके बाद से इसकी ऐसी हालत हो गई है। अब मैं क्या करूं दीदी? आपको कितना टाइम लगेगा? आपने तो कहा था 5 मिनट में हो जाएगा। तुम क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? रुकना है तो रुको, वरना चले जाओ यहाँ। तो पहले कहना चाहिए था ना ये बात। जाओ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। रो मत, रो मत। ये लो जूस पी लो, तुम्हारा पसंदीदा है जो तुम्हें पीने की आदत पड़ गई है, लो। आप मजाक कर रही हो? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, मेरा दुख आप नहीं समझ पाओगी। मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ पैसों के लिए आरती मेरे साथ नहीं है। हाँ, पैसा ही चाहिए दूसरों से आगे बढ़ने के लिए, किसी को खत्म करने के लिए। सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है ना बेवकूफ कहीं का। तेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए तो तुझे छोड़कर भाग गई ना। क्या किया उसने? दूसरे से शादी कर ली तो तू क्यों रुका हुआ है उसके लिए? जब मेरा बेटा 5 साल का था तब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। फिर मैंने अपने बेटे का पालन पोषण किया, उसकी शादी करवाई और वो तो मेरे पोते को मेरे हाथ में देकर मुझे छोड़कर दुनिया से चल बसे। भगवान को रोज डांटती हूँ लेकिन मेरे पोते के लिए मुझे जीना होगा। तुम्हारी माँ को देखो, तुम्हारा बाप तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में है, बड़ी मेहनत से तुम्हें इतना बड़ा किया है और उसके बदले में तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करके उसके मन को कितना दुखी कर रहे हो? कभी सोचा है उसका क्या होगा अगर वो लड़की वहाँ नहीं रह पाई और तुम्हारे पास लौट आई तो? तुम क्या करोगे? तुम और तुम्हारी माँ मिलकर क्या उस लड़की को तकलीफ दोगे? बताओ, क्या कर पाओगे उस लड़की के साथ ऐसा? मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आरती कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। लाओ जूस दो। मैंने इसमें जहर मिलाया है, पियो। क्या? कुछ नहीं बेटा, पी लो, पी लो। सब मेरी गलती है। थैंक यू। सब खत्म हो गया, अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुझे देखकर सच कहूं तो मुझे खुद की ही याद आ रही है। 27 साल पहले मैं ऐसी ही थी। क्या चाहिए आपको? तुम रो रही थी ना तो तुम्हारे पास आकर बैठ गई। आप फालतू में मुझ पर रहम मत दिखाओ प्लीज। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है,
अगर हो पाया तो मैं कुछ मदद करूंगी। आप क्या कर सकती हैं? जॉब दिला सकती हैं क्या? सॉरी दादी, गुस्से में मैंने उल्टा कह दिया। दूसरी नौकरी मिलने तक मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अभी मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या? ये लो, कल आकर मुझसे मिलना। सर प्लीज हेल्प मी सर, सर वो मेरी दादी, शी इज नॉट कम्फर्टेबल। तुमसे नहीं हो पाएगा, चली जाओ। बहन को बचाना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए जैसा मैं कहूंगी वैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। चलो जाओ फिर से, जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ। गलती कर दी मैंने। छी छी, कैसी लड़की पर भरोसा किया मैंने। सर माय ग्रैनी इज नॉट कीपिंग वेल सर, काइंडली कैन यू हेल्प अस प्लीज। आजा बेटा आजा। ए, देखा ना? देखा। शुरुआत में प्रॉब्लम हुई लेकिन बाद में सब कुछ ठीक कर दिया। तो तैयार हो ना? और तुम? बोलो मुझे क्या करना है? पार्लर के बगल से गाड़ी किराए से ले लो और बड़े बड़े बंगलों पर नजर रखनी होगी। हमारा टारगेट पैसों को लूटना है। फोटो खींचकर बड़े लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। 5 दिनों तक स्टडी करो, उसके बाद काम शुरू। ओके? सुपर है, कर देंगे ना? सब ठीक है लेकिन कहीं पकड़े गए तो? ए? पकड़े गए तो क्या, खाएंगे क्या? लूटे हुए पैसे कैसे बांटेंगे हम? इतनी जल्दी ऐसा सवाल? 40% मेरा, 30% तेरा और 30% सागर का। समझ गई ना? ओके, लेकिन मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। पकड़ में भी नहीं आना है और लूटना भी है। एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, आपस में तुम दोनों कोई बात नहीं करोगे, जो भी बात करनी है मुझसे ही करोगे। समझ गए ना? किस लिए? किस लिए क्या करना है, ऐसे सवाल दोबारा नहीं। मैं कहती हूँ वो करो। यस, सलाम वालेकुम। यहाँ आओ तो, जल्दी करो। क्या हुआ? ये रख लो। क्या? अब मौसी मुझे डर लग रहा है। तुम क्यों डरते हो? गन मेरे पति ने दिया था। कब क्या होगा तुम्हें पता नहीं, इसे साथ में रखो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। कुछ गलत मत करना समझे, हिफाजत के लिए है। समझ गए ना? ठीक है। छुपाओ। एक फोटो भी ठीक से नहीं आई, क्या कर रहे हो तुम? पागल जैसा काम करते हो, बेकार इंसान। मौसी मैं काम पक्का करता हूँ, पर फोटो लेते वक्त बैटरी खत्म हो गई और गाड़ी में चार्जर भी नहीं था, लेकिन मैंने सब जानकारी ले ली।
उसका नाम आनंद है, वो डॉक्टर है। रात को 9 बजे तक आ जाता है और सुबह 6 बजे निकल जाता है। ये सिंपल टारगेट है, हम 11 बजे जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से। शराब पीकर आए हो, चलो निकलो बाहर। ये है मालिक। हाँ। ये सब फोटोज ब्लर क्यों है? मुझे तो सब दिख रहा है, क्या करना है बोलो। मैंने पक्का प्लान कर लिया है, मेरे भरोसे के लिए शिवरात्रि को हम लूटने के लिए जाएंगे। जरा इसे देखो, ये असली वॉरेन वैशु। हम उसके भरोसे यहाँ पर आ गए, चप्पल से खुद के सर पर मारना चाहिए। दादी मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, इतना पैसा काफी है, निकल जाते हैं। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम जहाँ जाते हैं हर घर में सीसीटीवी होता है। हाँ, इस घर में सीसीटीवी कैमरा ये हमें नहीं पता था, वो तो टाइम पे पता चल गया, इसलिए मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ एक आदमी को देखा। हाँ हाँ, क्या कह रही हो? लेकिन वो कहाँ गया ये मैं नहीं जानती, इसे भी उसने मारा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो 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 यहाँ से निकल चलते हैं। दादी मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ से निकल चलते हैं, चलो। कहाँ जाएंगे हम? ये तुम पर ही गिरा था ना। उठो उठो। दादी गिव मी सम वाटर। क्या करें अब? जाओ पानी लेकर आओ। घबराओ मत बेटा, तुम्हें किसी ने मारा था। लो लो पियो बेटा। कौन हो तुम? हाँ तुम्हें गहरी चोट लगी है बेटा। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये घर आपका है क्या? लेकिन वो कौन है? वो कौन? आपने उसे नीचे बांध कर रखा है। संभल कर बेटा, मेरा नाम अनुराधा है और ये मेरी पोती है प्रिया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, वो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, लगता है ब्रेक खराब हो गया उसका। हमने सोचा कि किसी से हेल्प मांग लेते हैं और तुम्हारा घर दिखाई दिया और दरवाजा नॉक किया तो तुमने दरवाजा खोला और हमने तुम्हें घर का मालिक समझ लिया। बेटा संभल कर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुमने जब दरवाजा खोला वो क्या, मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ ना, तो मैंने तुम्हें ही मालिक समझ लिया। अब दरवाजा जो खोलता है वही तो मालिक होता है ना। वो बाहर चला गया और हमें वेट करने को कहा, बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद हिज जेस्चर्स, द वे ही वॉज लुकिंग एट मी। आराम से कुत्ते के जैसा कर रहा था वो, बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं था। तब मैं और दादी ने बाहर जाने की कोशिश की तो उसने अचानक आप पे हमला कर दिया। अगर आपको ज्यादा चोट लग जाती तो आपकी शादी कैसे होती? यही सोचकर मैंने उसे मार कर उसे बांध दिया। यहाँ क्या हो रहा है बेटा?
वो इस घर में ही है। लगता है वो ऊपर है, जाओ जाकर चेक करो। कोई बात नहीं, मेरी वैशु बहुत स्ट्रांग है, ये ऊपर जाकर उसे देख लेगी। तुम आराम करो। All right. So there's a lot of research going on to restore human memory to a damaged brain. But as we all know, we all perform surgeries on rats, and it's mostly believed the surgeries performed on rats have a similar impact and influence on a human brain. Do they really replicate our brain? Or is it because rats have hippocampus? Do they have emotions and tactical properties as we possess? Then why do we compare our brains with rats? Our brains are far more superior. And it's a day-to-day challenge for our neurosurgeons to create an outbreak for a better human life. And all right. Anyways, it's an ongoing debate. We'll continue tomorrow at 9 a.m. See you all. Thank you, sir. Hey, Robin. Chalo, nikalte hain. Anand sir ka class to ho gaya na? Agar tum aisa karoge na, to hum dono ko suspend kar denge. It's okay, yaar. मैं संभाल लूंगा, एडजस्ट कर लेंगे ना। आज तो गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हो ना। अरे तुम निकलो, तुम्हारे नोट्स मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? बाय। अरे पर सुनो, हेलो। डेफिनेटली द डेब्रिस हैज टू बी क्लीन फर्स्ट। रूल नंबर 137। व्हाट इज द टूल यूज्ड टू क्लीन द डेब्रिस? सॉरी डॉक्टर। राइट। राइट, क्यूर इट। It's used to clean the debris, and anyways, we are not doing it now. Just suture and dress him up. Yeah? Meet me in the cabin.
आई एम सॉरी डॉक्टर. These are my study materials on alternate surgical procedure. जैसे ही FRCS complete हो जाएगा, wow. You can use this for hands-on experience. Next time इसमें अपना नाम मत लिखना और क्लास अटेंड करो. Sure, doctor. You may leave now. Sorry, doctor. मैं thank you, doctor. Thank you so much. माँ जानती हो आज क्या हुआ? माँ तुम्हें कितनी बार बोला है कि खाना मत बनाओ. चलिए यहाँ से, चलिए माँ, चलिए. आ रही हूँ बेटा. आगे से तुम किचन में जाओगी तो अच्छा नहीं होगा. तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा बताओ. तुम तो इतने बड़े सर्जन हो बेटा, भला मुझे क्या होगा. तुम तो नहीं मानोगी, आनंद सर ने उनके सारे रिसर्च मुझे दे दिए और मैं सब तुम्हें ही दिखाने के लिए आ रहा था. और तुम हो कि पहले तुम खा लो बेटा. तुम भी ना माँ. तुम आनंद सर से भी बड़े डॉक्टर बनो बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ. माँ माँ मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ. माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ. माँ माँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास हैव सिमिलर सिम्टम्स लाइक हेडेक. एक्सक्यूज मी एंड डॉक्टर, आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स डॉक्टर. आई एम इन द मिडल ऑफ द क्लास एंड आई कांट कम नाउ. जस्ट 2 मिनट्स डॉक्टर प्लीज. What's the emergency, Avinash? क्या हुआ? माँ को फिर से ट्यूमर डिटोरी अटैक आया डॉक्टर. सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया है डॉक्टर, और आप ही मेरी माँ को बचा सकते हो डॉक्टर. माँ के लिए मैंने न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया था, लेकिन माँ को तो प्लीज डॉक्टर हेल्प मी. ट्यूमर डिटोरी अटैक, इट्स अ टफ सेफ, वी शुड नो दैट. आप ऐसे कैसे कह सकते हो डॉक्टर? सी आई अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी इन रियलिटी. इट्स फ्यू थिंग्स हैव टू बी डाइजेस्टेड. ओके प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए. माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर प्लीज. आई एम सॉरी, टेक केयर ऑफ हर. से जानते हो बेटा? एक्चुअली मुझे ही आपको थैंक्स कहना चाहिए. नो नो नो, आपने जरा भी देर की होती तो मैं तो सच में मर ही जाती. वो तो साइको था सच में. उसने क्यों अटैक किया ये तो मैं भी नहीं जानता. आपको कहीं चोट तो नहीं आई माँ जी? हमें कुछ भी नहीं हुआ बेटा. देखो उसने हमें बांधने की कोशिश की थी, मगर हम लोगों ने ही उसे बांध दिया, लेकिन बचकर भाग निकला पागल. Would you like to have something? Filter coffee milegi beta.
एक्चुअली घर में ग्रोसरीज खत्म हो गई है, कंटिन्यूस रेन्स एंड सर्जरीज की वजह से कुछ ला नहीं पाया। व्हाट अबाउट ब्लैक कॉफी? नो थैंक यू। जरा शुगर डाल देना बेटा। या श्योर, आप रिलैक्स कीजिए। क्या कर रही हो दादी? चलो चलते हैं। तुम चिंता मत करो वैशु, हम कैब करके यहाँ से भाग जाएंगे। थैंक यू। किसको फोन लगा रहे हो बेटा? पुलिस को फोन कर रहा हूँ, वही ढूंढकर निकालेंगे। सही है बेटा, सही है। ये जरूर कोई सीरियल थीफ या सीरियल किलर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी से पुलिस को फोन लगा दो। अब क्या करें? अब क्या करें? ठीक है बेटा, देर हो रही है, हम लोग को निकलना होगा। जरा सावधान रहना, किसी अनजान आदमी को घर में आने मत देना, ठीक है? इस वक्त आप लोग कैसे जाएंगे? टाइम कोई भी हो, जाना तो पड़ेगा ही ना, और पुलिस को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे। पुलिस आएगी तो आई विटनेस की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। और आपकी कार भी तो ब्रेक डाउन हो चुकी है, अभी रात को रुक जाइए, सुबह मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे, तुम तकलीफ मत उठाओ। जैसी आपकी मर्जी, पुलिस आएगी तो स्टेटमेंट दे दीजिएगा। शुगर एकदम परफेक्ट है बेटा। चिंता मत करिए माँ जी, इस इंजेक्शन से विजन जल्द ही कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं बेटा, बचपन से मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है बेटा। जिस इंजेक्शन है दादी, आप अचानक इतना क्यों घबरा रही हैं? स्प्रे दे दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इंजेक्शन दे रहा हूँ। दे दो बेटा, सब कंट्रोल में आ जाएगा। दे दो। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था, अब मुझे सच बताओ, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए थे? सच बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सागर, सब परफेक्ट है ना? अरे यार, प्लान पक्का है। अंदर जाएंगे, नजर रखेंगे, प्रे मारेंगे और पैसा लेकर वापस आ जाएंगे। 30 मिनट में सारा काम खत्म हो जाएगा। सुपर। वैशु, प्रसाद थिएटर में लास्ट शो कितने बजे का है? 11:30। वो वैसे भी 20 मिनट ऐड देगा, सो 11:30 तक ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। टाइटल्स आते वक्त हम जाकर सीट पर बैठ जाएंगे।
सुनो सागर, चश्मा निकालो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? जवाब दो। उसने मुझे धोखा दे दिया। अपने पति के साथ वो बहुत ही हैप्पी है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने कहाँ देखा उसे? अभी आते वक्त अमीरपेट सिग्नल पर देखा। उसके साथ खुशी से रहने के लिए मैंने अपना सारा पैसा उड़ा दिया, लेकिन वो उसके साथ आराम से घूम रही है। छी, पागल कहीं का। तुझे जो पैसा दिया था सब उस पर उड़ा दिया। जाने दो, आगे से ऐसा कुछ मत करना। जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उसे ऐसे देखने के बाद मैं खुशी के बारे में सोचूं? आगे से ऐसा काम करूंगा ना तो तुम मुझे चप्पल से मारना। ठीक है। वो गन, गन कहाँ है? ला मुझे दे। मैं गलत काम नहीं करूंगा। तुम जाओ। जाओ जाओ। कहाँ रखा है? जल्दी दे। अरे दे बेटा। सावधान रहना बेटा। तुम जाओ ना। सावधान रहना। चलो। तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। सर सर, नहीं सर, मैं बताती हूँ। बताओ। बताओगी या मैं कॉल करूँ? सर प्लीज सर, सर सर सुनो सर, बताती हूँ सर, प्लीज सर। वन लास्ट चांस, सब सही सही बताओ। वो एक्चुअली सर, रेस्टरूम से आकर बताती हूँ सर, प्लीज सर, अर्जेंट। चलो। डोर लॉक कर दिया है, तुम चार बार लॉक करना फिर मैं खोलूंगा।
अब बताओ। बताती हूँ सर, मेरा नाम वैष्णवी है। Keep quiet. For what is this? I can never enter this such activities, Miss Pa. अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें suicidal thoughts आ रहे हैं। आप, I'm extremely sorry. I can't entertain this. Please go back. Doctor. अरे, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? हम क्या एंटरटेनमेंट के लिए बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आए हैं डॉक्टर? चलो जरा अंदर बैठ के बात करें। चलिए ना डॉक्टर, यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? चलिए चलिए अब। शिट, ये यहाँ क्यों आया? घर तो अच्छा है। प्लीज। हम तो पूरी तरह भीग गए डॉक्टर विस्पा। हाँ सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। खाने के लिए भी तो थोड़ा सा कुछ ले आइए। घर में कुछ भी नहीं है। अब तो बस दो ग्लास लाए हैं। आपका कहाँ है? आई डोंट ड्रिंक। पूरे शहर को दवा देने वाला डॉक्टर दारू नहीं पीता है? या फिर आप मेरे आने की वजह से शर्मा रहे हैं? अरे डॉक्टर विस्पा, तुम ही बोलो ना यार। ये डॉक्टर नहीं पियेंगे। मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर आनंद के नाम पे चीयर्स। विस्पा, खत्म करो। डॉक्टर सर, वन मोर पैक। क्या हुआ, आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? अरे पैक पैक करके हम पूरी बोतल पियेंगे। अरे डॉक्टर साहब, आवाज कहाँ से आई? कोई और भी अंदर है क्या? नथिंग। खत्म ही कर दोगे? छास की तरह पी रहे हो। इतने बड़े घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं? कंटिन्यूस रेन्स एंड सर्जरीज की वजह से कुछ भी नहीं ला पाया। थोड़ा धीरे पियो यार। दोनों बोतल खत्म कर दोगे क्या? आते वक्त अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे ना तुम। वाइफ से कोई झगड़ा हुआ है क्या? बताओ। वो पत्नी नहीं है, साइको है वो। उसे जितना भी समझाओ वो नहीं समझती। अरे सबकी वाइफ साइको ही होती है। इस तरह की प्रॉब्लम तो सबको होती है भाई। हाउ डिड यू बोथ मीट? हमने अभी अभी स्टार्ट किया और आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं स्वीट और सॉफ्ट में बताता हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी थी और ऊपर से बारिश हो रही थी, बहुत परेशान हो रहा था मैं। तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी सामने जाके टकरा गई है। देखा तो वो डॉक्टर विस्पा था। अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं थी, लेकिन दारू की बोतल सीट बेल्ट से बांध रखी थी उसने।
जाने पर इरिटेशन होती है। मैं मेरे वाइफ का टॉर्चर सहन नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखो, वाइफ ही टॉर्चर है और टॉर्चर ही वाइफ है। अकेले रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे, शादी हो गई तो दुखी दुख है। बार बार आपकी पत्नी आपको किस लड़की के साथ आप सो रहे हो ये पूछती है क्या? पर मुझे पूछती है। आपकी बीवी आप पर शक करेगी ना, पता चलेगा। बीवी का काम ही है शक करना, तुम तो बड़े भोले हो यार। उसकी हर बात माननी पड़ेगी, उसको बताना ही पड़ेगा। मुझे कोई फ्रीडम या मुझे प्राइवेसी नहीं है क्या? किसी से बात करो तो भी शक, किसी से मिलो तो भी शक। मैं उसका पागलपन बहुत बढ़ गया, साइको हो गई। दारू भर गई भाई किडनी, पागल कर दिया मुझे। और ऊपर से भीख क्या आया हूँ, बहुत जोर से लगी है। अब भी आता हूँ मैं। फोन पे बात करो तो भी झगड़ा। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम वहाँ है। थैंक यू। डेस्टिनी विधि, मैं जैसा लिखा है वैसे ही होता है। थैंक यू डॉक्टर, यू आर सो काइंड इन अकोमोडेटिंग। यार मेरे जाके आने तक तूने दो पैक खत्म कर दिए। देख इंसान में भले ही फर्क हो लेकिन दारू बराबर पीनी चाहिए, समझ में आया? आ जाओ आ जाओ। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ऐसा है तो बीवी को छोड़ क्यों नहीं देता है, डिवोर्स दे दे। हमने तय दिल से प्यार करके शादी की, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है मत छोड़ो, पंचायत बिठा लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा सर, वो मर भी गई तो भी उसका शक खत्म नहीं होगा सर, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कैसे इंसान हो यार, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? वो 1:30 बज गए यार। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है डॉक्टर साहब, लैंडलाइन है, क्या करना? अरे जब भी मैं सवाल पूछता हूँ तो इधर उधर क्यों देखते हैं आप? नहीं है जी। इतने बड़े घर में लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, जरा दरवाजा खोल दो शायद नेटवर्क मिल जाए। हेलो, कैसी हो डार्लिंग? वो मेरी नाइट ड्यूटी एक्सटेंड हो गई है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। क्या आओ, ऐसे बार बार फोन करके हमें डिस्टर्ब मत करो, समझे? बेटा सो रहा है। ठीक है डार्लिंग, तुम सो जाओ। हाँ जब देखो दारू पी के झूठ बोलता है, जितनी जल्दी मरे इससे पीछा झूठा मेरा, झूठा कहीं का।
वो तो ओनर बनकर नौकर की तरह ट्रीट करता है। डॉक्टर, इनफ ऑफ दिस, प्लीज टेक हिम अवे, प्लीज। सॉरी मिस पर, नॉट एनीमोर, जस्ट क्लीन दिस अप एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। से आपको देखें तो वो देख सकते हैं, और लोग उसे देख सकते हैं या नहीं मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता बेकाबू हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे देख सकते हैं या नहीं। ये क्या है? मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट है, इसलिए किडनी मॉडल लेकर जा रहा हूँ। बाय डैडी। ये क्या है डार्लिंग? किडनी बीन्स। The illegal kidney trade thrives in India. ये क्या हो रहा है?
डॉक्टर, ये देखने के बाद मन में एक सवाल उठ रहा है कि आपने चाकू और कटार को फ्रेम करवा रखा है, ये सब सर्जरी में इस्तेमाल हुआ था क्या? चलिए वहां बैठते हैं। सॉरी, वेट, प्लीज डोंट टच, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज छोड़ दीजिए, सॉरी, ओके। प्लीज गेट अप, सॉरी, रियली डोंट टच, सॉरी, पीछे हटिए, ओके। चलिए बैठिए। सर, मुझे बहुत चढ़ गई है, अब घर चले? इस हाल में हम कहाँ जाएंगे भाई, हम यहीं पर सो जाएंगे। मैंने अपनी वाइफ को भी फोन कर दिया है, वो बोतल खत्म हो गई है, बुरा मान जाएगी। सर, हमने दारू पी ली और हमें डॉक्टर को परेशान नहीं करना चाहिए सर, इफ यू वांट कीप द बॉटल। ऐसी बातें क्यों करते हो, दारू पी के घर जाएंगे तो सोने को मिलेगा क्या? हाँ, क्यों फालतू में घर जाना? हाँ, डॉक्टर साहब बुरा थोड़ी ना मानेंगे। अरे भाई, डॉक्टर आनंद बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हम लोग मजे से पियेंगे और यहीं पर सो जाएंगे। हाँ, देख, जब दो लेके आए हैं तो खत्म तो करना पड़ेगा ना, यहीं पियेंगे, चुपचाप सो जाएंगे। जब से यहाँ पर आया हूँ, एक सवाल पूछना चाहता था, आप कौन से डॉक्टर हो? ये न्यूरोसर्जन और मैं एनेस्थेसिया। अच्छा, पेट का डॉक्टर? अभी हाँ, वो क्या है कि सर का संबंध क्रिटिकल केसेस का स्पेशलिस्ट है। सिर्फ सर का ही है या उसका भी है? नो, न्यूरोसर्जरी मोस्टली डील्स विद ब्रेन एंड स्पाइन। आप सिर्फ स्पाइन देखेंगे या फिर किडनी भी देखेंगे? सर, किडनी नो, नेफ्रोलॉजी। ओ,
मतलब आनंद बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसने घर में क्लिनिक शुरू किया है क्या? ये बड़ी बड़ी चिप मत कीजिए सर, सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर है सर। ऐसा छोटा क्लिनिक नहीं बनेगा, अगर बनाना होगा ना तो बड़ा होगा। और यहाँ इस घर में क्यों बनेंगे? अगर बनाना होगा ना तो एक अच्छी जगह पे बनाएंगे ना। ओ, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सॉरी, आपसे पैक बनवाया क्योंकि मुझे पता नहीं था। सॉरी डॉक्टर। लेकिन ये सवाल आपने क्यों पूछा? घर तो बहुत बड़ा है और ये डॉक्टर भी बड़ा है, विस्पा ने बताया था। आप लोगों का काम कितना अच्छा है। और एक हम है पावरफुल पुलिस, कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं दिन रात, फिर भी घर बनाने का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन एक बात है डॉक्टर, चाहे काम जैसे भी करो, जो भी करो, संतुष्टि मात्र ईमानदारी से किए गए काम से मिलती है। वाह, सुपर हो सर। बारिश भी रुक गई, मैं आपके लिए कैब बुक करता हूँ। फिर से वही बात कर रहे हो विस्पा, अगर मैं आप दोनों लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर जी, आप तो नाराज हो गए हैं। लेकिन एक बात दुखद है विस्पा, तुम स्टोरी बिना सुने ही घर जा रहे हो। इट्स ओके, कैब बुक करो, नहीं तो अपनी गाड़ी से छोड़ दो। विस्पा, इट्स फातिमा। फातिमा, यहाँ क्या? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। प्लीज 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 विस्पा, प्लीज 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 डॉक्टर, मैं यहाँ नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, कह देना। हाँ प्लीज 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 विस्पा। फातिमा प्लीज प्लीज प्लीज, क्या करूँ फातिमा, क्या करूँ क्या करूँ, मैं वहाँ छुप जाता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। अब क्या हुआ, क्यों भागा भागी कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मिस्पा की वाइफ यहाँ पर आई है, आप अंदर जाकर छुप जाइए। क्यों? मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोर नहीं, वो साइको वाइफ के लिए नहीं छुपूंगा मैं। 5 मिनट उससे बात करके यहाँ से भेज देता हूँ, फिर चाहिए तो सुबह तक यहाँ बैठकर पीते रहो, और कल भी आकर पी लेना प्लीज। प्रॉमिस? यस। करोड़ों रुपए का झोल करके लोग फॉरेन में छिप जाते हैं, मैं इस भाई के लिए पीछे छुप जाता हूँ। गो। ठीक है सर। बॉटल्स। प्लीज स्टे हियर। फातिमा तुम, सॉरी डॉक्टर आनंद, आपको बेकार में डिस्टर्ब कर दिया। दैट्स ओके फातिमा, बट आप अचानक यहाँ? विस्पा का फोन कंटिन्यूसली नॉट रीचेबल आ रहा है, मैंने उसे फोन किया था तो उसने फोन ही काट दिया। जानती हूँ वहाँ क्या चल रहा है, मैं विस्पा से चिल्ला कर बात करती हूँ ना तो वो मेरा फोन कट कर देता है। आपको पता है वो लड़की जो लैब में काम करती है ना, ये उसके पीछे पीछे घूमता है। कोकिला जानते होगे ना, आपके डिपार्टमेंट में ही काम करती है, हमेशा विस्पा के पीछे पड़ी रहती है टाइम कहीं की। आपने कभी नहीं देखा? मेरे सामने आएगी तो उसकी जान ले लूंगी। फातिमा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस पर खामखा शक कर रही हैं। आप ज्यादा मत सोचिए। आप नहीं जानते डॉक्टर, और मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। यहाँ आने से पहले हॉस्पिटल में कॉल किया था, 10:30 तक घर पे नहीं आए वो। घर पर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ गया होगा, जरूर उसके घर ही गया होगा।
जब देखो झूठ कहता है, फोन को हाथ लगाओ तो गुस्सा हो जाता है, जब देखो झगड़ा करता रहता है मुझसे बस, और ऊपर से मुझे साइको कहता है मुझे मेंटल इश्यूज है, हर बात के लिए मुझे ब्लेम करता है, उसे डिवोर्स चाहिए मुझसे। उसके साथ वक्त बिताकर टाइम स्पेंड करके पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं, वो बहुत बदल गया है, मुझे लगता है वो मुझसे बोर हो गया है। एक बात बताओ, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई क्या? फातिमा मेरी बात मानो, मिसबा बहुत अच्छा इंसान है, बस आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप बैठकर बात करोगे तो इट विल बी सॉर्टेड एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? मिसबा ने कहा तुम दारू नहीं पीते हो, झूठ कहा ना उसने, सब एक जैसे होते हैं क्या? सिर्फ मैं ही पागल हूँ, मुझे ही बदलना चाहिए। मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मुझे भी जिंदगी जीनी है, मैं भी एंजॉय करूंगी। फातिमा, फातिमा नो, प्लीज स्टॉप इट। आर यू ओके फातिमा? क्यों ऐसी हरकत कर रही हो? इट्स गेटिंग लेट एंड फातिमा प्लीज प्लीज स्टॉप इट। फातिमा क्यों ऐसी हरकत कर रही हो? अभी भी वक्त है, यू कैन स्टिल सिट एंड टॉक अबाउट इट। फातिमा काम डाउन, इट्स ओके। मैं ऑलरेडी बदल चुकी हूं, मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। फातिमा तुलकेरिया? या This was the first gift I bought for him, with lots of love. Our first anniversary gift. पर वो तो ये कब का भूल गया। Careful. Are you okay? He knows I'm claustrophobic. कभी कभी मैं अजीब सा बिहेव करती हूँ, फिर भी वो कुछ गलत करेगा तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। इट्स नथिंग न्यू, दिस वन थिंग हियर, दिस फ्रेग्रेंस, मुझे मेरी शादी का दिन याद आ गया। कैन यू स्टे हियर अंटिल ही रिमेंबर्स? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है? और नहीं तो क्या? कुत्ता है। मुझे कुत्ता बोल रही थी? How dare you? मुझे कुत्ता बोला ना तूने? तू है कुतिया, तू कुतिया है। मुझ पे शक करिए, तू अभी देखा मैंने उसके साथ रोमांस करते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए?
मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो तुझे करनी चाहिए। समझते क्या हो अपने आप को? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या समझ कर रखा है मुझे तूने? थोड़ी सी दारू पी ली तो मैं पुलिस वाला नहीं रहा क्या? ये न्यूरोलॉजिस्ट बन के तुम क्या कर रहे हो सब पता चल गया मुझे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तू मुझे उल्लू समझता है? अभी अभी जो मैंने कहा वो तेरी समझ में नहीं आ रहा है? सर, I seriously don't understand what you're talking about. And treating a person like this is totally unfair. Abbe teri to. Sir, this is brutality. You're hitting Dr. Anand. Dr. Anand is a good man. Don't hit him. English par baat karne se galti chuk jayegi. Teri maa English bolti hai. Ya tera baap England se aaya? Wo baat nahi hai sir. Sir, aap unhe kyun maar rahe ho? Ek pati apni patni ko police wale ke samne maar raha hai aur aap is begunah par haath utha rahe hain. Bechara. Tumhe pata hai isne kya kya kiya hai? Hain? Batao. What did I do, sir? What did you do, sir? Batao na. What did I do, sir? Good. Bol. Bet. Bol. Kitne dino se ye dhanda kar raha hai? Bol. Sir, aap ye kya keh rahe hain? Mujhe to kuch bhi samajh mein nahi aa raha hai, sir. Kidney bechne ki kya zarurat hai? Sab kuch janta hai, phir bhi anjaan ban raha hai tu? Sir, aap ye phaltu bakwas band kijiye. Dr. Anand, what is happening over here? मॉर्निंग न्यूज में देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी इसके धंधे में शामिल है? इसीलिए मिलने आ रहा था ना तू? सर सर, आप पागलों की तरह बात करना बंद कर। मुझसे उंगली उठा के बात करेगा? चुपचाप बैठ। सुनो, इसका अवैध संबंध है और किडनी माफिया के साथ भी काम करता है ये, समझी? इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। तुम गाड़ी लेके आई हो? लेके आई हो? ड्राइविंग आती है? हाँ। अरे, इस डॉक्टर के साथ मिलके अंदर दो लेडीज को बंद करके रखा है। सर, आप फालतू में इन पर शक कर रहे हो। ये जान बचाने वाले डॉक्टर हैं सर। डॉक्टर आनंद, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? डॉक्टर आनंद, मिस्मा, वो दोनों चोर हैं। एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मुझ पर किसी ने अटैक किया, वो मुझे बचाने आए थे। एंड आई कांट एक्सप्लेन यू नाउ, ओके? कहानी तो अच्छी है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के सामने काम नहीं करेगा। लॉजिक मिस नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं, लॉजिक नंबर वन, अगर वो लोग चोर हैं और यहां चोरी करने आए थे तो तुमने बचाया क्यों? हाँ, मुझे बचाया, लेकिन वो लोग नहीं जानते मैं कौन। ठीक है, लॉजिक नंबर एक के लिए तुम्हारा जवाब सही है। तो जब हम यहां आए थे तो तुमने क्यों नहीं बताया? सर, उस वक्त बताता तो आप लोग भरोसा नहीं करते। सर, और आप बताओगे तो हम भरोसा कर लेंगे। तो तुम्हारी कहानी झूठी है। मैंने बाहर बैग में खून से सना हुआ कॉटन देखा है और वो किडनी निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अभी मेरे पास गन नहीं है, नहीं तो यहां पे गोली मारता मैं तुझे। Since you have witnessed what you are not supposed to see, I am afraid you might have to stay here. Doctor, we can save him. Let's. You are a doctor too, Mispa. I made exactly 22 precise cuts. His intestines are literally out. He'll die any moment. दारू पी के ये बहुत कुछ बोल रहा था,
It's all over now. Fatima, this is called the butterfly effect. तुम्हारे शक करने की वजह से, मिसबाह के दारू पीने की वजह से और दारू पीकर गाड़ी चलाने का कोई संबंध ना होने के बावजूद भी ये पुलिस वाला मेरे घर में मारा गया। फनी डॉक्टर, काम, डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड्स। आई नो यू आर अ गुड मैन। लेट्स कॉल द पुलिस। चल फातिमा। Wait. It's okay. It's okay. I didn't mean to hurt you, Miss Ba. I'm sorry. Miss Ba, why are you behaving like this? Miss Ba. Fatima. I tried to give signs in all possible ways. कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। उस पुलिस वाले को इतना समझाया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ पाया। अगर मैंने उसे उस वक्त नहीं मारा होता तो मुझे जेल जाना पड़ता। इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। अब तुम्हारी बारी है। ग्रेड 4 ग्लियोब्लास्टोमा, मल्टीपल सर्जरी करने पर भी ठीक होने के चांसेस कम है। यू आर अ सर्जन माय फ्रेंड, बी स्ट्रॉन्ग। Thank you.
Doctor, trust me. I know this. I know how to perform surgeries. Please. Behave like a professional, Anand. There are rules, and you cannot perform surgery. What rules? Agar main apni wife ko nahi bacha paya, to doctor scholarship kya kaam ka? Calm down, Anand. Calm down. You cannot save your wife. She is already in advanced stage. And that's fact, Anand. It's not a fact. Main janta hu apni wife ko kaise bachana hai. I have my own ways. No, I won't allow that to happen here. Better you understand. She is already in last stage. We can't save her, Anand. Come to reality. She can't be saved. Please try to understand. Anand. घबरा रहे हो क्या? नहीं नहीं. You've always been a good doctor. मुझे अगर बचा नहीं पाए तो डिसहार्टन मत होना. मुझे अपनी पहली रिसर्च समझना. मुझे ऐसे बहुत से पेशेंट्स को उन्हें बचाने के लिए मैं सैक्रिफाइस कर सकती हूँ. मैं रहूं या ना रहूं, You're always a good doctor. जो भी तुम्हारे पास आते हैं उनके लिए तुम आशा की किरण हो. जो खुशियां तुम्हारे नाम में है वो सब में बांटो. I'll try to save you. I'll try to save you.
एक मिनट। आपके पास फोन है क्या? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। ओहो, मेरा फोन भी स्विच्ड ऑफ है मैम। क्या हुआ मैडम इस वक्त में ऐसे? कुछ नहीं, आप मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले जाएंगे प्लीज। ओके ओके। ये मेरी माँ है। मिसबा, काश मैंने मिसबा की बात सुनी होती, बेवजह उस पर शक किया मैंने और इस हालत में फंस गई। सब मेरी गलती है। चिंता मत कीजिए मैडम। वैशु, वैशु, दादी, वैशु, पर शक नहीं करना चाहिए था मुझे। शक नहीं करने वाला इंसान कहाँ होता मैडम, ये तो बीमारी जैसी है। मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत है, मैं तो ऐसे ही घूमता था, जबरदस्ती मेरी शादी करवाई और सब लोग सोच रहे थे कि मुझे इतनी अच्छी बीवी कैसे मिल गई। मैं लोडेड ट्रक चलाता था, रोज 8-10 घंटे चलाना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैं जैसे ही घर जाकर अपनी बीवी की शक्ल देखता तो सारी थकान गायब हो जाती थी। बहुत खूबसूरत थी वो। मैं तो ड्राइवर हूँ तो रोज किसी न किसी जगह पर जाता था। मेरी बीवी हमेशा अकेली रहती थी। अगल बगल के लोगों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिसकी बात आप कर रहे थे वही शक मेरे दिमाग में भी धीरे से चढ़ा। नींद में अचानक उठ के देखता था वो है कि नहीं। एक महीने तक मैं सो नहीं पाया। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर जाके बीड़ी पीने लगा। दरवाजा खराब था, बंद ही नहीं हो रहा था। वो बार बार बजने लगा, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। इसलिए उसको बंद करने के लिए मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जैसे ही वहाँ रखने जा रहा था वो लगा के मैंने एक नजर अपनी बीवी को देखा। वो अभी भी सो रही थी। इतनी तेज आवाज में भी वो गहरी नींद सो रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इसे हमेशा ऐसे ही चैन से सुला दो। और फिर मैंने वो पत्थर उठाकर उसे दिया। और उसके बाद मैंने इस पत्थर को उठाकर हमेशा के लिए अपने साथ में रख लिया। अपनी बीवी से तो मैं नहीं मिल पाया लेकिन आप अपने पति से जरूर मिलेंगे। पुलिस स्टेशन आ गया मैडम। लगता है बहुत बारिश हुई है, घर के अंदर पानी आ गया है। वैशु, जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
वैशु, तुम्हारी पार्टनर किधर है? तुम्हें नहीं मिलेगी मेरे ही घर में, मुझे ही नहीं मिलेगी। केशव, अरे टाइसन, तुम यहां क्या कर रहे हो? आजा। शेर का बच्चा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर का बच्चा। इंटरेस्टिंग। कौन है शेर का बच्चा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई। कौन है शेर का बच्चा? बाहर कार नहीं है, वो कहाँ है बताओ मुझे। सच में मुझे नहीं पता है सर, वो बाहर ही था। आप लोग कैसे बात करोगे?
वैशु, वैशु, मौसी, See, I understand. You have to be in reality. It's few things have to be digested. Okay? Please, doctor, ऐसा मत कहिए. माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, doctor. Please. I'm sorry. Take care of her. Give me the files.
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आपने जो मटेरियल दिया मैंने वो पूरा पढ़ लिया, एंड आपने जितने भी सर्जरीज किए मैंने काफी नजदीक से देखे हैं. सो मेरी माँ को भी आप ही ने डायग्नोज किया. Somehow you make the patient survive. आपके अप्रोच से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है, और आपकी मेथोडोलॉजी तो यूनिक है डॉक्टर. यू आर अ जीनियस एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई वाज जस्ट वंडरिंग हाउ डू यू अराइव एट दीज मेथोडोलॉजीज डॉक्टर. यानी जितना भी इसके बारे में सोचूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज डॉक्टर टेल मी, एक प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको कैसे पता? व्हाट्स योर किक पॉइंट डॉक्टर? इट्स अबाउट डायग्नोजिंग द पेशेंट एंड एनालाइजिंग इन विच वे ही कैन बी ट्रीटेड, दैट्स इट. वही डॉक्टर, हाउ कैन यू डायग्नोज सो प्रिसाइसली? आपके अलावा कोई दूसरा डॉक्टर सक्सेस हो ही नहीं पाता है, एंड ये सिर्फ आपको ही कैसे पॉसिबल हो रहा है? व्हाट इज द सीक्रेट डॉक्टर? सीक्रेट? देयर इज नो सीक्रेट. इट्स ऑल अबाउट क्लियर डायग्नोसिस. इफ यू कैन डायग्नोज प्रॉपरली वी कैन अराइव एट अ सॉल्यूशन. यहाँ के डॉक्टर्स डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं कर पाते, सो वी हैव अ सॉल्यूशन एट हैंड्स. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. You may leave to the class now. Okay, doctor, but आपको कैसे पता कौन सी सर्जरी करनी चाहिए? एक छोटी सी गलती से भी किसी की जान जा सकती है डॉक्टर. I think I answered your question. You may leave now. But doctor, मेरा सवाल था. Leave! I'm sorry, doctor. फातिमा, वेलकम. मैंने तुम्हें बहुत मना किया था, फिर भी तुमने भागने की कोशिश की थी. नाउ लुक हु इज सफरिंग. योर हस्बैंड इज ऑलमोस्ट डेड एंड यू आर डीपली इंजर्ड. लकीली तुम अपने केशों को भी नहीं मिली. फातिमा, एक और बार अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो पत्थर तुम्हारे सर पर मारने को बोलूंगा.
You got it? Hmm? 1 minute. Play for some time? Hmm? Just hold this. Come. Come. खून देखोगे तो पैनिक हो जाओगे ना? यहां से भागने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप ये सारा खून साफ करो वरना। तुम्हारी कार्नियोटोमी करनी पड़ेगी। कार्नियोटोमी क्या होती है पता नहीं है तुम्हें? ओपन ब्रेन सर्जरी। डू इट नाउ। सर उसको तैयार कर दिया है। अविनाश, ये सब जरूरी है क्या? मैंने सोचा था कि तुम्हें पहले ही सीडेट कर दूं, लेकिन पलक झपकते ही तुमने ऐसा कुछ कर दिया कि द वर्ल्ड नीड्स मी, यू नो, इसलिए उन दोनों ने मुझे बचाया। डॉक्टर, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? डॉक्टर को एथिक्स होना चाहिए, आपको ये सब नहीं है क्या? Ethics. I'm the most ethical person you have ever met. I have been ethical to my profession, and I have been saving life each and every day which you guys are not capable of saving in your entire lifetime. Let's not talk about ethics. अविनाश,
As you can see, I'm the one who unites loved ones and families together at the cost of the homeless. Upar se wo teesri tasveer dekho. Dekhi? You and your mom were very happy, right? You know how she was saved? By performing an alternative unethical procedure on that guy. You remember the chance she had when she was gotten to the hospital? 1%, I believe. Now you're all happy. Celebrate kar rahe ho. Kiski wajah se? Meri wajah se. I saved her. I erase the boundaries and make the impossible come possible. I'm ethical to the entire world except for the ones in this house. Anyways, the needs of the many outweigh the needs of the few. So, tum yahan kaise pahunche batao? और मुझे कैसे पहचाना? अब बताओ। मैं आपकी तरह पैसे बनाना चाहता था, इसलिए आपको फॉलो किया था। So there is a lot of research going on to restore a human memory into a damaged brain. But as we all know, we all perform surgeries on rats, and it's mostly believed the surgeries performed on rats have a similar impact and influence on a human brain. Do they really replicate our brain? Or is it because... उस दिन मैंने जो देखा यकीन नहीं कर पाया। वो वैन, वो आदमी, सब बहुत ही वियर्ड था। वहां क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं पाया। उस घर में रोज क्या होता है ये जानना चाहता था। इसीलिए उस दिन से मैंने आपको फॉलो करने का फैसला किया। What are you doing here, Avinash? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर मुझे जानना है, बोलिए। You scared the shit out of me. Come. डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ कुछ तो गलत कर रहे हो, but I trust you. लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कोई रोज आपके घर लोगों को लेकर आता है, उनके साथ क्या कर रहे हो डॉक्टर? Come. अविनाश, बेवजह ज्यादा सोचने से यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, ओके? प्लीज सिट, रिलैक्स। अविनाश, दिस इज माय हाउस, आई लिव हियर। एनीवेज, पहली बार घर आए हो, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? हाँ, ओके, फील फ्री। क्या ये सोच सकते हैं कि मैं इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? उधर देखो, पता है वो मेमोरी मॉड्यूल मैंने क्यों प्रिजर्व किया है?
सो दैट मेरी रिसर्च से आई कैन ब्रिंग आवर मेमोरीज बैक टू द लाइफ. बैड लक ये है कि तब तक तुम नहीं रहोगे. बोला था ना तुम अपने पति से मिलोगी. फातिमा नाम में इतने सारे कॉमास लगे हुए हैं. अविनाश, जिन रूल्स और एथिक्स की बात तुम कर रहे हो, अगर उनको ब्रेक नहीं किया होता तो तुम्हारी मां नहीं बच पाती. और इतनी फैमिली अगर आज खुश है, इसका कारण मेरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, और ये रुकेगा नहीं. आई एम गोइंग टू कंट्रोल द मेमोरी मॉड्यूल्स विथ माई रिसर्च एंड प्रोसीजर्स. This book is my life's book. इस बुक के कंप्लीट होते ही आई कैन मेक wonders. साबुन की खुशबू, ये खुशबू मेरे दिमाग पे चढ़ रही है. मेरी बीवी को मरे हुए पूरे 3 साल 11 महीने 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी औरत पे मेरा दिल नहीं आया. लेकिन जब से तुझे देखा है मैंने, तेरी पतली कमर मुझे पागल कर देती है. क्या पतली कमर है, क्या अदाएं है तेरी है? तेरा पति जो है ना, वो मुझे थोड़ा एड़ा लगता है. मेरे साथ सो के देख, फिर तुझे समझ में आएगा जिंदगी क्या है. जरा मुझे चख के देख, सारे स्वाद भूल जाएगी तू. इसीलिए तेरी बीवी तेरे अलावा सबके साथ रंडी की तरह सोई. hey, क्या बोली तू, क्या बोली? अविनाश, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुमने मुझे अपना रोल मॉडल समझा. बट ऑल द रोल मॉडल्स वुड हैव डन इनॉर्मस सैक्रिफाइसेस. And everyone has a dark side. Now, you have seen my dark side. तुम्हारे मांगने पर मैंने तुमको सारे secrets दिखाए. And I know it's difficult to touch us. अब आ गया मजा, अब मर मर. आता हूँ, अपने हाथों से ये खून साफ कर दे तू. Yeah.
This is the most satisfying one. मेरा मेजर रिसर्च पूरा करने के लिए मुझे 10 और सर्जरीज करनी पड़ेंगी। मैंने सोचा कि 6 महीने लगेंगे। You guys have proved me wrong. अब आप लोगों की सर्जरीज करके मैं अपना रिसर्च पूरा कर लूंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम्हारी सर्जरीज में बहुत एंजॉय कर रहा हूं। यहां से एस्केप होने का चांस 0.1% भी नहीं है अविनाश। डॉक्टर आनंद, वहां क्या कर रही हो? पहले ये बताओ सागर कहाँ है? सागर तो यही है। झूठ बोल रहे हो तुम, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। अगर आप सोच रहे हो कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक भी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। You're all locked.
sorry, Miss Bob. मैंने तुम पर शक किया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब सॉरी बोलने का मतलब नहीं है, पहले फर्स्ट एड करके सेव करने की कोशिश कीजिए। अपना मुंह बंद करो, मुझे पता है तुमने क्या किया है। डोंट ब्लेम मी, ओके प्लीज। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट अगर तुम उसे नहीं छोड़ती तो वो यहाँ से नहीं जाता। दादी, जरा ये आवाज सुनो, ये आवाज सुनो। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। हाँ सुनो सुनो। यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। रुक क्यों गई? मारो। मुझे मारकर यहाँ से एस्केप होने का प्लान था क्या? हाँ समझाया था ना तुमको, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तुम लोगों की वजह से हम यहाँ फंसे हैं। डॉक्टर, आप यहाँ कैसे आए? डॉक्टर, हे भगवान, अगर आप नहीं आते तो आनंद को पुलिस के हवाले करने वाला था। मेरे सामने इनको मार डाला डॉक्टर, इज अ फकिंग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। उस लड़की के लेफ्ट हैंड पर लड़की के नाम का टैटू बना था क्या? बोलो बेटा। सागर, सागर, सागर। दादी दादी शांत हो जाओ दादी। हाँ दादी, ऑपरेशन के नाम पे लोगों को मार डालता है। हे भगवान।
सागर को देखना चाहती हूँ, मेरे स्वार्थ की वजह से उसकी जान चली गई, उसकी जान चली गई, उसकी जान चली गई। दादी ये क्या हो गया बेटा? दादी शांत हो जाओ दादी। क्या कर दिया? आपका सागर मर चुका है दादी, आप अपने आप को संभालिए दादी प्लीज। भगवान दादी मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, भगवान भगवान प्लीज दादी। ये मैंने क्या कर दिया? सागर नहीं रहा मेरी। आप कुछ कीजिए ना, प्लीज डू समथिंग। सागर 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 नहीं छोड़ूंगी सागर दादी। सागर 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 अरे भगवान। सागर सिस्पा आंखें खोलो, आंखें बंद मत करो। एक मिनट, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Do something. नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। सही कहा, मार डालेंगे। आप लोगों को मजाक लग रहा है? आपको पता है वो बाहर ही है, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें मार डालेगा। आप लोगों के आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये सोचिए। ओके, उसे मार कर ही जाऊंगी। रुक जाओ दादी, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम बाहर कैसे निकलेंगे बताओ? मुझे नहीं पता था इतने लोग होंगे, वो अकेला है और हम पांच हैं।
अगर हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो बाहर निकल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है सब निकल पाएंगे? हाँ। अगर हम में से कोई पकड़ा गया तो? चार लोगों के लिए एक का मरना तो ठीक ही है ना? अगर वो एक तुम ही हुई तो हमारे लिए मरोगी क्या? हाँ बोलो। एक्चुअली इसीलिए मेरी बात सुनो, हम पांच लोग हैं, यही हमारी ताकत है। अगर हम एक साथ हो गए तो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए अविनाश, डर लग रहा है, सिस्टर को बचाना है। आप डॉक्टर का ध्यान रखिए। वैष्णवी इसे बाहर रखो, तुम दादी को लेके आओ। दादी चलिए आराम से दादी यू लीड द वे, ध्यान से, कम ऑन गाइस, गाइस ऑल ओके, बी केयरफुल ओके, फॉर्म अ क्लस्टर। संभल कर, बी केयरफुल, स्टे क्लोज गर्ल्स, स्टे क्लोज, ध्यान से। वही रहो, मैं आ रही। Really, really sorry, Fatima. Mespa is a very good friend. In fact, tumse zyada dukh to mujhe ho raha hai. You know what, Fatima? Yahan par sab logon mein se mujhe sirf tum par soft corner hai. बेचारी, तुम मिसबा को ढूंढते हुए यहां पर आई थी।
but he doesn't deserve your loyalty. लेकिन एक बात तो सच है, he slept with that girl. You guessed it right. इन सब को छोड़ दो डॉक्टर, नहीं तो बुक को, जो आपने बहुत मुश्किल से लिखा है, मार दूंगा. I mean it, and I fucking mean it. What a fool. इसको मैंने नेक्स्ट जनरेशन किड्स के लिए ही रखा था. उसको तुमने फाड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं है. Because I learned it practically. अगर तुम यहां रहकर मुझे हेल्प करोगी तो I'll give you an offer. यहां पर सब लोगों को मैं मार दूंगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा. ठीक है ना? बाहर आइए डॉक्टर, वरना इस बुक को फाड़ दूंगा. फाड़ दूंगा. आई मीन इट, आई फकिंग मीन इट. Your paycheck for this month. Thank you. डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है. तुम्हारी पल्स बहुत ही वीक हो गई है. लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना तुम सर्जरी अटेंड क्यों कर रहे थे? अरे उस तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहे क्या? ये अभी क्या हुआ? अभी अगर तुमने इसको कंटिन्यू किया ना तो बहुत मुश्किल होगा. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बाद में तुम्हारी मर्जी. मैं यहां रहना नहीं चाहता, मैं घर जाऊंगा. क्यों, अब क्या हुआ? हाय वैष्णवी, ये बैग तुम्हारा ही है ना? मेरे घर में भूल गई थी. होप यू रिमेम्बर इट. जो मैंने कहा याद है ना आपको? बाय.
मुझे डर था कि तुम किसी को कुछ बताओगी, लेकिन गुड, तुमने किसी को नहीं बोला। आई लाइक दैट। मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता, बट आई बिलीव यू नाउ। ऐसे ही तुम कंटिन्यू करोगी तो इसलिए गिफ्ट दे रहा हूं। एक और बात, अगर ये बात तुमने किसी को बोली तो यू नो मी, आई विल बी वॉचिंग यू 24/7। डॉक्टर, मुझे एक बात पूछनी है। उन सबके साथ क्या किया आपने? Ma?